बढ़िया के मुर्गे ने उसके लोहे में झपट्टा मारा। ये है दीप नारायण सिंह की आलिशान हवेली। काफी रईस मालूम होते हैं। काफी बिहार के बड़े जमींदारों में से एक है और ऊपर से अपना तिजारती कारोबार भी है। आज शहर के सारे रईस यहाँ मौजूद हैं, उन्हें दावत दी जा रही। लेकिन बात क्या है, दीप नारायण सिंह 5-6 महीने से बीमार थे, अब पूरी तरह ठीक हो गए, इसी खुशी में दावत। इसका मतलब जब भी ठीक होते हैं तो क्या पार्टी देते हैं? बिल्कुल ठीक। आइए आइए आइए। दीप नारायण सिंह जी नमस्कार। नमस्कार, आप स्वस्थ हो गए, बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बचने की उम्मीद तो नहीं थी, डॉक्टर पालित का कमाल है। डॉक्टर पालित नमस्कार। नमस्कार डीएसपी पांडे, वेरी प्लीज टू मीट यू। और इनसे मिलिए मशहूर जासूस व्योमकेश बख्शी, उनके साथी अजीत। नमस्कार। दीप नारायण सिंह जी आप आराम कीजिए, कमिश्नर साहब आए हुए हैं, मैं उन्हें अपनी शक्ल दिखा के अभी आता हूँ। व्योमकेश जी मैं अभी आता हूँ। चलिए। ये गेंडा कौन? ये गेंडा दीप नारायण बाबू का भतीजा है, देव नारायण बाबू। निपट गवार और टाट का उल्लू, यही सारी संपत्ति का वारिस है। और वो जो उसके दोनों तरफ दुबले पतले से है, वो उसके यार दोस्त हैं, हाँ में हाँ मिलाने वाले चमचे हैं। वो है बेनी प्रसाद और उस तरफ जो बैठा ना वो लीलाधर बंसी। और वो दूसरी तरफ जो बूढ़ा है वो यहाँ के स्टेट का मैनेजर है, मगर हाँ पहुंचा हुआ धुरंधर है। ये है दीप नारायण की पत्नी शकुंतला और साथ में उस मोटे भतीजे देव नारायण की पत्नी है चांदनी, बच्चा भी उसी का ही है। बच्चे को साथ क्यों ले आए, जो नर्स को दिया। मैं अभी आ। पांडे जी ये शकुंतला देवी और दीप नारायण की शादी कुछ बेमेल सी नहीं है? शकुंतला देवी तो करीब 24-25 की लगती है। दीप नारायण सिंह जी की दूसरी शादी है। दूसरी? और पहली? पहली के गुजरने के बाद की दूसरी शादी। अच्छा, कोई वंश रक्षक तो होना ही चाहिए। दीप नारायण सिंह ने शादी शकुंतला पर मोहित होकर की है, सिविल मैरिज, और वैसे भी लड़की इनकी जात के नहीं है। काफी प्रगतिशील मालूम होते हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे रात मरीज के पास भी जाना है और कल सुबह यहाँ आके दीप नारायण बाबू का इंजेक्शन भी देना है। इंजेक्शन क्या अब तक चल रहा है? हाँ चल रहा है, हफ्ते में एक बार लीवर एक्सट्रैक्ट दे रहा हूँ, बस 2 इंजेक्शन और बाद में बंद। सर क्या बात है इंस्पेक्टर, सब खरी तो है? सर एक बहुत बुरी खबर है, मैं आप ही के पास आया हूँ डॉक्टर पालित, आपके डिस्पेंसरी में चोरी हो गई है। अरे क्या हुआ? करीब 9 बजे मैं थाने से घर की तरफ जा रहा था, रास्ते में आपकी डिस्पेंसरी का दरवाजा खुला पाया, ताला भी टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो टेबल के सारे ड्रॉवर्स भी खुले थे, लगता है चोर ड्रॉवर्स में से रुपए पैसे चुरा कर भागा है। वैसे मैं कांस्टेबल वहां तैनात करके आया हूँ सीधा आपको बताने के लिए। आप जल्दी जाइए। अच्छा सर मैं भी चलता हूँ, घर जाकर वर्दी बदल कर वापस आना है। अच्छा खासा खूबसूरत नौजवान है, ये तो किसी राजघराने का लगता है। आपने ठीक समझा, इसके दादा किसी जमाने में प्रतापगढ़ के बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। अच्छा, हाथ खराब होने की वजह से इसने पुलिस में नौकरी ले ली, और वैसे भी लड़का काफी होशियार है। जी से बात करके पूछ लेंगे तो। अरे भीमकेश बाबू, अच्छा हुआ आप आ गए, चलें जल्दी जाना है। कहाँ? दीप नारायण बाबू गुजर गए। क्या? हाँ इंस्पेक्टर रतिकांत का फोन आया था, डॉक्टर पारित ने उन्हें सुबह इंजेक्शन दिया और इंजेक्शन लेते उनकी मृत्यु हो गई। आइए मैं वहीं जा रहा हूँ। चलिए आइए। पोस्टमार्टम करवाना जरूरी है, और ये शीशी भी रखी है। यस सर। घर के और लोग कहाँ हैं? सर बाकी के सब लोग ऊपर हैं, डॉक्टर मिस मन्ना शकुंतला देवी जी के पास है। लेडी डॉक्टर? जी वो यहाँ की फैमिली डॉक्टर है,
शकुंतला जी की हालत देखकर उन्हें यहाँ बुलवा लिया। बहुत अच्छा किया आपने, आइए उधर बैठते हैं, आइए प्लीज। बैठिए। वो क्या है, सुबह करीब मैं 8 बजे यहाँ आया था और मैंने उन्हें लीवर एक्सट्रैक्ट का इंजेक्शन दिया था। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कोई खास बात तो थी नहीं, लेकिन धीरे धीरे दीप नारायण बाबू लेट गए और उनकी आंखें बंद हो रही थी। कहने की कुछ कोशिश तो उन्होंने जरूर की, लेकिन उनके मुंह से आवाज नहीं निकली। तो मैंने फौरन उन्हें एड्रेनलिन दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बस 3-4 मिनट में उनकी सांस बंद हो गई। मौत की वजह क्या हो सकती है? वजह? पहले तो लगा कि एनाफिलेटिक शॉक से मौत हुई है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, जहर भी हो सकता है। जहर है या नहीं ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आपने जो इन्हें वो शीशी दी उसमें क्या है? लीवर एक्सट्रैक्ट की शीशी है वो। मौत तो इंजेक्शन देने के साथ साथ हुई है, क्या हम कह सकते हैं कि मौत की वजह यही इंजेक्शन है और इस शीशे में जहर है? लगता तो यही है, लेकिन कल शाम मैंने इसी शीशी से एक मरीज को इंजेक्शन दिया था, वो तो सही सलामत है। ये शीशी क्या हमेशा आपके बैग में ही रहती है? जी। कल रात ये बैग कहाँ था? डिस्पेंसरी में। तो इसका मतलब जब डिस्पेंसरी में चोर आया तो बैग वहीं था? हाँ जी। डिस्पेंसरी कौन बंद करता है, आप? नहीं नहीं, कंपाउंडर। तो कल रात उसने किस समय डिस्पेंसरी बंद की? कल रात चोरी की खबर सुनते ही मैंने कंपाउंडर को डिस्पेंसरी में बुलवाया था। वो कह रहा था करीब शाम को 7 बजे उसने डिस्पेंसरी बंद कर दी और वो घर चला गया। तो वहाँ किन किन चीज़ों की चोरी हुई, आप कुछ बता सकते हैं? कोई खास बात तो नहीं, लेकिन टेबल की दराज से कुछ रुपए, कुछ 58-54, बस। अब समझ में आया कि चोरी का असली मकसद क्या था। क्या? चोर रुपए पैसे के लिए नहीं आया, उसने लिवर एक्सट्रैक्ट की शीशी बदल दी। शीशी बदल दी? या फिर डॉक्टर पालित की शीशी में अपनी सिरिंज से जहर मिला दी, पातवे की। मतलब चोर को मालूम था कि सुबह दीप नारायण को इंजेक्शन देना है। बिल्कुल। हाँ, इसीलिए हत्याकारी ने इसका फायदा उठाया। सर मुझे पहले लगा था कि गलती से मौत हो गई है, शायद डॉक्टर पालित ने कोई और इंजेक्शन दे दिया हो, लेकिन अब बात कुछ और ही लग रही है। सर मैं इस केस का जिम्मा लेना चाहता हूँ। हाँ हाँ जरूर, ये तुम्हारा ही इलाका है, तुम संभालो इस केस को। पहले लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और इस शीशी को लेबोरेटरी में भेजकर जांच करवाओ कि इसमें क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। सर आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं दीप नारायण बाबू के काफी करीब था, उनका कातिल मुझसे बचकर नहीं जा सकता। सर आज से ही मैं इस केस के पीछे पड़ जाता हूँ। मैं जरा शकुंतला को देख आता हूँ, वैसे डॉक्टर मिस मन्ना वहां पे है। डॉक्टर पालित, एक मिनट। यस। क्या कुछ नई खबर है? खबर तो है, लेकिन कोई नई खबर नहीं। कल रात ही मुझे शक था। क्या शक था आपको? शकुंतला गर्भवती है। मुझे तो लगता है कि हत्या है, लेकिन जिस शख्स का ये काम है बहुत ही सतर्क और चालाक है। अब सवाल ये उठता है कि दीप नारायण की हत्या से किसी को क्या फायदा? फायदा सिर्फ उस मोटे दीप नारायण का हो सकता है। वो कैसे? दीप नारायण बाबू बिना संतान के गुजर गए, जाहिर है पूरी संपत्ति का अकेला वारिस होगा। बिना संतान के ये अभी नहीं कहा जा सकता, शकुंतला देवी के यहाँ लड़का हो गया तो।
दीपनारायण को ये मालूम नहीं? शायद नहीं। अच्छा एक बात बताइए, बुरा मत मानिएगा, शकुंतला देवी सुंदर आधुनिक महिला है, पटना में तो जरूर उनके एडमायरर्स चाहने वाले तो होंगे। हाँ हाँ, है क्यों नहीं, हर रोज महफिल लगती थी, ताश खेलना, चाय, केक पार्टी, यही सब कुछ तो होता था। लेकिन पिछले 5-6 महीने से जब से वो बहुत बीमार थे, महफिलें कुछ कम हो गई थी। लेकिन नर्मदा शंकर का वहाँ आना जाना बराबर लगा हुआ था। नर्मदा शंकर कौन? एक रईस ज्यादा बिगड़ा नवाब, लंबी चौड़ी जमींदारी है, देखने में चुस्त, भीगी चुबड़ी बातें करता है, एक नंबर का लपाड़िया, हम लोगों की उस पर नजर है। तो शकुंतला देवी का उसके साथ काफी मेलजोल था? हाँ, लेकिन शकुंतला देवी की कोई बदनामी नहीं सुनी हमने। चलो इस नर्मदा शंकर को भी ध्यान में रख लेते हैं। चारों तरफ छानबीन करने के बाद में कुछ पता चला? कुछ खास तो नहीं, लेकिन एक बात साफ नजर में आती है कि खिड़की के जरिए किसी को भी घर के अंदर बुलाया जा सकता है। ब्योमकेश बाबू, इस केस को सुलझाने में इसकी क्या कोई खास अहमियत है? कहा नहीं जा सकता, हो भी सकता है। चलिए अंदर चलते हैं। कहिए नर्मदा शंकर जी, यहाँ आने की तकलीफ कैसे की? सुना है दीप नारायण बाबू अचानक गुजर गए, क्या हुआ था उन्हें? माफ कीजिएगा, इसके बारे में हम आपसे कुछ नहीं कहना चाहते। कोई बात नहीं, बेचारी शकुंतला, उस पर क्या गुजर रही होगी, मैं उससे हमदर्दी के दो शब्द कह के आता हूँ। शकुंतला देवी से फिलहाल कोई नहीं मिल सकता, और ये सब लोकाचार का वक्त नहीं है। इंस्पेक्टर जी, गेट की कांस्टेबल से कह दो हमारी आज्ञा के बिना अंदर कोई नहीं जाएगा। ओके सर। फिर आप ही शकुंतला देवी को हमारी हमदर्दी पहुँचा दीजिए, चलता हूँ। मैनेजर बाबू जी, ये नर्मदा शंकर कल रात को पार्टी में कब आए थे? वो कब आए थे ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जब 6:30 बजे यहाँ आया था तो नर्मदा बाबू शकुंतला देवी से बातें कर रहे थे, तब तक पार्टी में कोई मेहमान नहीं आया था। और आज सवेरे क्या दीपनारायण बाबू की मौत के पहले आप उन्हें मिले थे? जी नहीं, मुझसे पहले तो डॉक्टर पलित वहाँ पहुँच चुके थे। इतवार की छुट्टी रहती है ना, थोड़ी देर से आता हूँ। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मालूम पड़ा दीप नारायण बाबू अब इस दुनिया में नहीं है। आपका हिसाब किताब तो सब ठीक है ना? शायद मुआयना करना पड़ेगा। जी वो तो सब ठीक है, आप मुआयना कभी भी कर सकते हैं, सिर्फ एक 12,000 की पेमेंट की रसीद को छोड़कर। कौन सी पेमेंट? वो 8-10 महीने पहले दीप नारायण बाबू के हुक्म से 12,000 रुपए डॉक्टर पलित को दिए थे, उसकी रसीद नहीं है। क्यों? क्या है कि डॉक्टर बाबू ने तो उधार के रूप में रुपए मांगे थे, लेकिन दीप नारायण बाबू ने दान के रूप में दे दिए, उसकी रसीद लेने से मना कर दिया था। मैनेजर, घर वालों से कह दो कि हम अंदर आ रहे हैं। जी अच्छा। इंस्पेक्टर ध्यान रखो। ये लोग आपसे मिलने आए, बैठिए ना। नहीं नहीं, हम यहीं ठीक हैं। आपके साथ वो दूसरे सज्जन नहीं है? वो तो अभी अभी झांक कर छुप गए कहीं। अब वो लीलाधर? अरे वो अंदर गया है गुसल खाने में। अच्छा, गुसल खाने से जो लोहे की सीढ़ी नीचे जाती है वहीं से उतर कर घर चले गए। अच्छा एक बात बताइए, आप शराब पीते हैं? जी नहीं, हम भांग लेते हैं। तो फिर ये तकिए के नीचे बोतल क्या है? अरे ये तो ताड़ी है, लीलाधर और बहनी प्रसाद पी रहे थे। अच्छा अच्छा, आपकी दुखित अवस्था में सब पीकर आपका मन बहला रहे थे। कहाँ गया? ठीक है, खैर जाने दीजिए। ये बताइए कि भांग के अलावा और आप किस तरह का नशा करते हैं? अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोकेन? नहीं नहीं। गांजा? गांजा तो वो गजाधर पीता है। अच्छा अच्छा, आपके तो बहुत से यार दोस्त हैं। हाँ बहुत हैं। तो उनमें से 2-4 का नाम तो बताइए। नाम? हाँ क्यों नहीं, वो लीलाधर है, बैनी प्रसाद है, और गजाधर सिंह है। गजाधर सिंह कौन? अरे गजाधर सिंह हमारा चौकीदार, भाई भांग पीसने में बहुत उस्ताद है। अच्छा अच्छा, और कौन? और बद्री लाल है जो रोजाना हमारी मालिश करता है। देखा,
किस रुतबे के यार दोस्त हैं। हाँ। अच्छा डॉक्टर पालित भी आपका दोस्त है? डॉक्टर पालित? अरे हम उनका तो यहाँ से निकाल देंगे, बिल्कुल नहीं रखेंगे। कोई तो हमारे चाचा का खूनी है, बताओ यार। आपके चाचा की मौत के बाद आप ही उनकी सारी संपत्ति के मालिक हैं, अब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? अरे क्या करूंगा बहने। चलिए यहाँ से तो और कुछ नहीं मिलने वाला, चलो। चलिए शकुंतला देवी से मिल लेते हैं। बैठिए। माफ कीजिए, आपको परेशान करने आए हैं। इंसान की जिंदगी में कब कौन सी दुर्घटना होती है ये तो पहले से पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन आपकी पति की मौत के लिए जो भी कोई जिम्मेदार है उसे उचित सजा जरूर मिलेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बस इसी सिलसिले में आपसे दो एक सवाल करने हैं, उम्मीद है आपको कोई इतराज नहीं। जी नहीं। दीप नारायण बाबू की कोई वसीयत है? ये सब मुझे नहीं मालूम, वे अपने धन संपत्ति का जिक्र मुझसे नहीं करते थे। आपकी अपनी कोई जायदाद या धन संपत्ति है? जी नहीं, शादी के बाद उन्होंने मेरे नाम बैंक में 5,00,000 रुपए जमा किए हैं। वो रुपए अब कहाँ हैं? बैंक में ही है, मैंने उन रुपयों को हाथ भी नहीं लगाया। इसका मतलब है कि ये 5,00,000 रुपए आपका अपना स्त्री धन है। अच्छा, अगर आपके यहाँ लड़का हुआ तो उसके उत्तराधिकार की आधी संपत्ति भी तो आपकी होगी। अच्छा एक बात बताइए, आप गर्भवती हैं ये बात आपके पति जानते थे? जी जानते थे। आपने उन्हें कब बताया? कल रात। कल रात? आप कितने दिनों से गर्भवती हैं? खैर जाने दीजिए, इसका पता तो डॉक्टर मन्ना से भी लग सकता है। अच्छा आप गर्भवती हैं, आपके पति ये बात सुनकर तो बहुत खुश होंगे। हाँ, बहुत खुश हुए। किस तरह के आदमी हैं आप लोग? चाची जी को मारना चाहते हैं क्या? जाइए फौरन बाहर जाइए और डॉक्टर मन्ना को अंदर भेजिए। अरे सोमलिया जल्दी से एक ग्लास पानी लेकर आ। अच्छा शकुंतला देवी कब से गर्भवती है? कहा 2 महीने हुए। कहाँ खो गए बंके? ये जो दीप नारायण बाबू के घर के आगे लाल सा पोस्ट बॉक्स लगा है ना, ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कोई लाल वर्दी पहने हुए चौकीदारी कर रहा है, सब दिखावा है, हाँ, असलियत कुछ और है। लेकिन असलियत क्या है? दीप नारायण बाबू की हत्या करने के 2 मकसद हैं, एक तो उनकी संपत्ति, दूसरा वो खुद। मतलब? मतलब कि या तो कोई उनकी संपत्ति हत्याना चाहता है या फिर कोई उनको रास्ते से हटाना चाहता है। अरे मकसद कुछ भी हो लेकिन वो आदमी है। पहले है उसका मोटा भतीजा देव नारायण, है तो वो एक नंबर का नामाकुल, लेकिन ये सब उसका ऊपरी आडंबर भी हो सकता है। मुमकिन है कि उसने अपने ताऊ का खून किसी दूसरे के हाथों करवाया हो। ऐसे हालात में मकसद बनता है संपत्ति पर पूरा अधिकार। लेकिन अब लेते हैं चांदनी को। चांदनी? हाँ चांदनी। शकुंतला देवी की तरफ उसकी हमदर्दी कुछ स्वाभाविक नहीं लगती, ज्यादती सी लगती है। हो सकता है कि दीप नारायण बाबू की मृत्यु से वो मन ही मन खुश है। दीप नारायण बाबू की मृत्यु के बाद शकुंतला देवी तो मालकिन नहीं ना रहेगी, मालकिन तो चांदनी रहेगी। और अगर उसका पति लल्लू है तो फिर वो उसकी मुट्ठी में रहेगा और चांदनी बनेगी इस विराट संपत्ति की अकेली मालकिन। अब लेते हैं मैनेजर को। डॉक्टर पालित ने कहा था कि पहुंचा हुआ धुरंधर है। दीप नारायण बाबू तो अकलमंद थे, अपनी जमींदारी पर कड़ी नजर रखते थे, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद अगर जमींदारी उनके भतीजे देव नारायण के हाथ लगेगी तो
तो मैनेजर को तो पूरी छूट मिलेगी ना। कहने का मतलब है कि दीप नारायण की हत्या में मैनेजर का भी तो हाथ हो सकता है संपत्ति के लिए। अच्छा, शकुंतला देवी भी तो है। उन्हीं पर तो आ रहा हूं। वैसे तो किसी विवाहिता स्त्री के चरित्र के बारे में आलोचना नहीं करनी चाहिए, लेकिन जहां खून का मामला है वहां हर पहलू पर गौर करना जरूरी होता है। अब ध्यान से सुनो, शकुंतला देवी 2 महीने से गर्भवती है। वहां उनके पति दीप नारायण 2-3 महीने से गंभीर रूप से बीमार थे। डॉक्टर पालित और शहर के अन्य डॉक्टर 24 घंटे उनकी देखभाल कर रहे थे। ऐसी सूरत में किसी पत्नी का बीमार पति से गर्भवती होना क्या संभव है? आज शकुंतला देवी ने बताया कि कल रात उन्होंने अपने पति को अपने गर्भवती होने की खबर दी और यह भी कहा कि यह खबर सुनकर उनके पति बहुत खुश हुए, लेकिन मुझे लगता है यह सच नहीं, सब झूठ है। क्यों? क्योंकि अगर दीप नारायण बाबू खुश होते तो क्या, चलो रात को ना सही, कम से कम अगले सवेरे तो डॉक्टर पालित या डॉक्टर मन्ना से ये बात कहते। इतने खुश थे तो क्या कल रात की पार्टी में इस बात का जिक्र नहीं करते? फिर शकुंतला देवी ने गर्भवती होने की बात अपने पति से नहीं कही? अवैध गर्भ की बात कोई अपने पति से नहीं कहता, इसीलिए दीप नारायण को इस कलंक का पता लगने से पहले ही उन्हें रास्ते से हटाना बहुत जरूरी था। अब खून का मकसद यहां उनकी संपत्ति नहीं बल्कि दीप नारायण सिंह खुद हैं, जिनकी हत्या से अवैध प्रेम और अवैध गर्भ दोनों का पता न लग सके। लेकिन वो प्रेमी कौन है भाई? शकुंतला देवी तो आधुनिक विचार की महिला है, इसीलिए उनका प्रेमी भी कोई इस तरह का आदमी होगा। या तो वो नर्मदा शंकर या उनका कोई साथी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा शख्स है जो कि खुलेआम उनके घर आता जाता नहीं। सर, इस शीशी की केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट आ गई है, इसमें तो कुछ नहीं है। क्या कह रहे हैं, लिवर एक्सट्रैक्ट में जहर नहीं है? नहीं, आप खुद ही देख लीजिए। कमाल व्योमकेश बाबू, अब आप क्या कहेंगे? आप बताइए आपकी क्या राय। दीप नारायण जी की मौत जहर की वजह से हुई है उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी जहर मिला है और इंजेक्शन के अलावा शरीर में जहर घुस ही नहीं सकता। लेकिन जिस शीशी में से इंजेक्शन दिया गया है उसमें जहर नहीं है, उससे हम एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं कि डॉक्टर पालित ने जिस शीशी में से इंजेक्शन दिया है वो शीशी हमें नहीं दी बल्कि दूसरी शीशी हमें दी है। लेकिन क्यों ऐसा करने से उनको क्या फायदा? सर, सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम समझेंगे कि मौत इस इंजेक्शन की वजह से नहीं हुई। आप क्या समझते हैं, डॉक्टर पालित ही खूनी है? वैसे दीप नारायण जी की मौत से उन्हें कोई निजी फायदा नहीं था, मगर जिन्हें फायदा है वो उन्हें पैसे खिलाकर काम निकलवा सकता है। शायद 1 लाख या 2 लाख रुपये दिए हों डॉक्टर पालित को। रुपये कौन खिला सकता है, आप कुछ रोशनी डाल सकते हैं? उनका भतीजा देवनारायण, उनके अलावा कौन हो सकता है? कोई सबूत है? कह रहने दीजिए, इस रिपोर्ट को आप फाइल करवा दीजिए, मुझे लगता है हम जाकर डॉक्टर पालित से मिलाते हैं। क्यों पांडे जी? हाँ, क्यों नहीं, चलिए। चल चल। अरे आइए आइए आइए, मैं आप ही के पास आ रहा था, देखो मेरे कपड़े भी नहीं बदले। कहिए क्या बात, हमारे पास क्यों आ रहे थे आप? नहीं, क्या है पांडे जी, मन थोड़ा सा बेचैन हो रहा। अरे आप लोग बैठिए ना, बैठिए। सोचा कि डिस्पेंसरी बंद करने के बाद चलूं, अगर कोई खास खबर हो तो। खास खबर तो हम भी ढूंढ रहे थे, बस कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा। खैर, हम यहाँ इसलिए आए हैं कि 1-2 बातों की पुष्टिकरण कर लें। डॉक्टर, आपसे 1-2 निजी सवाल करने हैं, आप बुरा मत मानिएगा। आपने दीप नारायण सिंह से 12,000 रुपए उधार लिए थे। बात यह थी कि कुछ दिन पहले सुबह मैं दीप नारायण जी को इंजेक्शन देने गया था, तो मेरी मोटर गाड़ी की हालत देखकर वो बोले, डॉक्टर तुम्हारी गाड़ी खटारा हो चुकी है, एक नई खरीद लो। मैंने कहा नई गाड़ी तो 10-12 हज़ार रुपयों में आती, इतने रुपये मेरे पास कहाँ है, जो कमाता हूँ सब खर्च हो जाते हैं।
ये सुनकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। मुझे यकीन है उन्होंने वे रुपए मुझे देने की ठान ली होगी, शायद मैनेजर से भी कहा होगा। फिर वो यकायक मर गए। खैर जाने दीजिए। दूसरी बात यह है कि आपकी जो लिवर एक्सट्रैक्ट की शीशी की केमिकल एनालिसिस, उससे पता चला कि उसमें तो जहर नहीं था। नहीं था तो दीप नारायण जी मरे कैसे? मरे तो जहर से ही। आपने केमिकल एनालिसिस के लिए दूसरी शीशी दे दी होगी। क्या, मैंने दूसरी शीशी दे दी? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं दूसरी शीशी क्यों दूंगा? आप परेशान मत होइए, हमें आप पर भरोसा है ना। बैठिए बैठिए बैठिए। आपसे एक और सवाल करना। पूछिए। डॉक्टर मिस मन्ना का कहना है कि शकुंतला देवी 2 महीने से गर्भवती है। तो मुझे मालूम है। आपको कैसे पता चला? डॉक्टर मन्ना ने मुझे बताया। अच्छा अच्छा, 2 महीने पहले या तो कहिए कि 3 महीने से दीप नारायण बाबू की तबीयत काफी नाजुक थी, यानी कि क्रिटिकल कंडीशन। यस। अब 2 महीने पहले उनका इलाज किन किन डॉक्टरों ने किया? कर रहे थे ना, डॉक्टर बोस, डॉक्टर यादव, डॉक्टर श्रीवास्तव। तब तो 24 घंटे नर्स भी रहती थी, दिन में मिस विलियम्स और रात में मिस दस्तूर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पाले। मुझे लगता है जल्दी खूनी का पता लग जाएगा। अरे अंदर तो आइए आप। नहीं नहीं, हम चलते हैं, आज का तो काम खत्म हो गया ना। आप बस एक काम कीजिए, शकुंतला के बारे में जरा पता लगाइए, कहाँ की रहने वाली है, माता पिता का परिचय, कहाँ तक पढ़ी है, ये सब। शकुंतला देवी तो प्रतापगढ़ की है। प्रतापगढ़? हाँ, क्यों? अच्छा अच्छा, प्रतापगढ़, अब आई बात मेरी समझ में। शायद ग्रेजुएट है, बाप का छोटा मोटा कारोबार है। बाकी की सब बातें मैं आपको कल शाम तक बता देता हूँ। आप एक काम कीजिए, मुझे कल दोपहर तक बता दीजिए, बाप का नाम, प्रतापगढ़ में ठिकाना, जो भी कुछ हो। मैं 1-2 दिनों के लिए प्रतापगढ़ जा रहा हूँ, लेकिन ये बात किसी से कहिएगा मत, अजीत यहीं पर रहेगा। मैनेजर बाबू, इस पोस्ट बॉक्स में आप कितनी चिट्ठियां डालते हैं? करीब 10-15 चिट्ठियां। और ये पोस्ट बॉक्स यहाँ कब से? पिछले 3-4 साल से तो है। इसका मतलब जब से दीप नारायण बाबू की दूसरी शादी हुई तब से? जी हाँ, क्या है कि पोस्ट मास्टर से मैंने लिखा पढ़ी करके ये पोस्ट बॉक्स यहाँ लगवाया। अच्छा, तो दिन में कितनी बार चिट्ठियाँ निकाली जाती? दिन में 2 बार, 1 सुबह 8 बजे और 1 शाम 4 बजे। लेकिन ये सब बात आप पूछ क्यों रहे हैं? अच्छा, आपकी डॉक्टर पालित के साथ उस 12,000 रुपए के बारे में बात हुई? वो कह रहे हैं कि मुझे पैसा मिला ही नहीं। काफी रुपयों की बात है, 12,000 रुपए, कम से कम आप पुलिस में रिपोर्ट तो करते। आप जाने भी दीजिए, जब डॉक्टर साहब ना कर रहे हैं तो मैं भर देता हूँ। मेरे नसीब में नुकसान लिखा है तो मैं सह लेता हूँ। ठीक है, जाइए आप। अच्छा, प्रतापगढ़ जाकर बहुत फायदा हुआ है, काफी कुछ पता लगा लिया है मैंने। मैं जरा जाकर शकुंतला देवी से अकेले में बात करना चाहता हूँ। अगर रतिकांत आए तो उसे यहाँ रोक कर रखना है? मैं अभी आता हूँ, बाद में बताऊंगा। माफ कीजिए, आपको फिर तकलीफ देने आया हूँ, लेकिन आपसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। क्यों, पुलिस ने तो पहले ही पहरा बिठा रखा है, मुझे भी यहाँ आने नहीं देते, वो तो मैं जबरदस्ती यहाँ चले आती हूँ। हमने क्या गुनाह किया है? देखिए, हम सिर्फ गुनहगार को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे कुछ निजी बातें करनी है, इसलिए अगर आप मेहरबानी करके आप दरवाजे की आड़ से सुनने की कोशिश मत कीजिएगा। बैठिए। अब ध्यान से मेरी बातें सुनिए। मैं प्रतापगढ़ गया था, वहां आपके बारे में आपके परिवार वालों से, आपके जान पहचान वालों से बातचीत हुई। आप इलाहाबाद में पढ़ती थी, वहां भी गया था, आपके सहछात्रों से भी बातचीत हुई। आपका प्रेमी कौन है मुझे मालूम। क्या कहने हैं आप? शांत रहिए,
आपके पेट में आपके प्रेमी का बच्चा है, आपके पति का नहीं। यह बात मैं साबित कर सकता हूं। और आपके प्रेमी ने दीप नारायण बाबू का खून किया है, यह भी मैं साबित कर सकता हूं। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं पुलिस का आदमी नहीं हूं। आपके पास जो 5 लाख रुपए है ना, उसमें से आधा यानी कि 2.5 लाख रुपए अगर आप मुझे दे दें तो मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। अब बस मेरे नाम एक चिट्ठी बाहर के आते में जो पोस्ट बॉक्स है ना उसमें डाल दीजिए। उसमें सिर्फ इतना लिखिए, हाँ रात को 10 बजे के बाद पैरा हट जाएगा, बस आप जाकर चिट्ठी डाल देना, कोई नहीं देखेगा। यह रहा लिफाफा, इस पर मैंने अपना पता लिख दिया है। लोकल चिट्ठी है, कल दोपहर तक मुझे मिल जानी चाहिए। अगर कल तक मुझे चिट्ठी नहीं मिली तो मैं सारे सबूत जाकर पुलिस कमिश्नर को दे दूंगा। बस यही कहने आया था। पांडे जी, अजीत आप दो काम कीजिए। पहले तो नर्मदा शंकर पर निगरानी रखिए, कहीं वो भाग न जाए। और दूसरा ये कि शकुंतला देवी पर कड़ी नजर रखना, हमेशा उसके साथ कोई ना कोई जरूर होना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है वो कहीं खुदकुशी ना कर ले। क्यों भाई? अभी अभी उसे मिलकर आ रहा हूँ। बड़ी हुज्जत और क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद उसने हथियार डाल दिए। अपने पति के हथियारे का नाम जानती है वो? हथियारा उसका गुप्त प्रेमी है। कौन है वो? यहीं पर तो बात अड़ गई, नाम नहीं बता रही है। कहती है चाहे तो आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, सजा दे दीजिए। मगर वो नाम क्यों नहीं बता रही? भाई महिला है, शर्म के मारे, संकोच के मारे या फिर कलंक का डर भी तो है, इसलिए नाम नहीं बता रही। एक बार मैं जाकर कोशिश करूं, शायद मुझे बता दे। नहीं नहीं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। काफी कोशिशों के बाद वो राजी हुई है कि हथियारे का नाम चिट्ठी में लिख कर पांडे जी को बता देंगे। अब तय ये हुआ है कि रात को हम 10 बजे के बाद पैरा उठवा देंगे। डॉक्टर मन्ना जो कि हमेशा उनके साथ रहती है, आज 10 और 11 के बीच में अपने घर चली जाएंगी। शकुंतला देवी आकर चिट्ठी इस पोस्ट बॉक्स में डाल देंगी। लोकल चिट्ठी है पांडे जी, आपको कल 12 बजे तक मिल जानी चाहिए। इसका मतलब आपकी राय में डॉक्टर पालित अपराधी नहीं है? डॉक्टर पालित भी हो सकता है, लेकिन इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। नर्मदा शंकर भी हो सकता है, इसीलिए तो उस पर निगरानी रखनी बहुत ज़रूरी है। अजीत क्या टाइम हुआ है? 4:30। 4:30, ज़्यादा समय नहीं है। चलो तब तक कुछ खा पी लेते हैं। रतिकांत तुम मेरे साथ आओ। लगता है आज क्षमा परवाने का खेल खत्म हो जाएगा। पांडे जी। हाँ जी। सिपाही कितने हैं? 2। इंस्पेक्टर रतिका नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, 2 ही काफी है। हम जाकर उन पेड़ों या मुंडेरों पर छुप जाएंगे। ठीक है अजीत। हाँ। तुम एक काम करो, तुम उस पेड़ पर जाकर छुप जाओ। हाँ? जाओ। सुनो। हाँ। सिगरेट मत पीना और जब तक ये सीटी ना बजाए वहीं अटके रहना, समझे? हाँ। जाओ। पांडे जी मुझे लगता है हम इन मुंडेरों के ऊपर छुप जाते हैं, आप उन सिपाहियों को उधर भेज दीजिए। ठीक है गणेश, तुम दोनों उन 2 पेड़ों पर चढ़ जाओ। पांडे जी टॉर्च दीजिए। चलिए Thank you.
हाजी शुरू कीजिए। रितिकांत को मैंने पहली बार दीप नारायण की पार्टी में देखा। वहां पांडे जी ने बताया कि रितिकांत प्रतापगढ़ के किसी जमाने के धनी परिवार के लड़के। जब मैंने शकुंतला देवी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो भी प्रतापगढ़ की है। तब बात कुछ कुछ मेरी समझ में आई। सारांश में बात कुछ यूं है, रितिकांत और शकुंतला देवी दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन शादी में कुछ सामाजिक बाधाएं थी। बस फिर शकुंतला देवी पढ़ने के लिए इलाहाबाद चली गई, हॉस्टल में रहती थी। रितिकांत भी अक्सर वहां आता जाता था, लेकिन उसके घर की हालत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए उसे नौकरी करनी पड़ी। अब संयोग की बात है कि उसी दरमियान दीप नारायण की मुलाकात शकुंतला देवी से हुई। दीप नारायण तो बस उसका रूप और यौवन देखकर विदा हो गए। शकुंतला देवी मामूली घर की लड़की थी। उसके माता पिता ने दीप नारायण की संपत्ति वगैरह देखकर उसे दीप नारायण से शादी करने पर मजबूर कर दिया। शकुंतला देवी भी राजी हो गई। दोनों ने इलाहाबाद में सिविल मैरिज करवा ली। लेकिन रितिकांत ने शकुंतला देवी का पीछा नहीं छोड़ा। उसने भी किसी तरह तोड़ जोड़ करके अपना तबादला पटना करवा लिया। वहां पे दोनों अक्सर मिलते जुलते थे। अब दूर की रिश्तेदारी के नाते रितिकांत का भी दीप नारायण के घर आना जाना था। वहीं पर शकुंतला देवी से मुलाकात होती थी, लेकिन लोगों की नजरों से दूर। रात को शकुंतला देवी चिट्ठी लिखकर बाहर पोस्टबॉक्स में डाल देती और निर्धारित समय पर रितिकांत वहां आ जाता। पिछली लोहे की सीढ़ों से ऊपर चढ़ जाता। शकुंतला दरवाजा खोलकर उसका इंतजार करती। अब गौर करने की बात यह है कि वो पोस्टबॉक्स शकुंतला देवी के शादी के बाद ही हवेली के हाथे में लगवाया गया था। अब काफी दिनों तक इस तरह चलता रहा, लेकिन कुदरत ने उन दोनों का साथ नहीं दिया। जब दीप नारायण बाबू कुछ दिनों के लिए बीमार पड़े तो शकुंतला देवी को पता चला कि वो गर्भवती। अब क्या किया जाए, इसीलिए दीप नारायण बाबू को रास्ते से हटाना बहुत जरूरी था, क्योंकि उनकी मान मर्यादा इज्जत का सवाल था ना। फिर रितिकांत ने दीप नारायण को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। अब उसे पता था कि रोज सवेरे डॉक्टर पालित दीप नारायण बाबू को देखने आता है, और जहर भी हासिल करना उसके लिए तो मामूली सी बात थी। असल में डॉक्टर पालित की डिस्पेंसरी का ताला रितिकांत ने ही तोड़ा था, और फिर उसने जहर लेकर उस लिवर एक्सट्रैक्ट की शीशी में मिला दी। हमें पार्टी में आकर बताया कि डॉक्टर पालित की डिस्पेंसरी में चोरी हुई है। सब तो यही समझ बैठे ना कि मामूली सी चोरी है। अगले दिन सवेरे डॉक्टर पालित ने दीपनारायण बाबू को इंजेक्शन दिया, उनकी मौत हो गई। हम सब यही समझ बैठे कि लिवर एक्सट्रैक्ट की शीशी में जहर है। लेकिन रितिकांत ने एक और चाल चली। केमिकल एनालिसिस के लिए उसने लिवर एक्सट्रैक्ट की दूसरी शीशी भेज दी जिसमें जहर नहीं था। अब सारा शक डॉक्टर पालित पर पड़ता ना। फिर मैंने भी एक चाल चली, शकुंतला देवी से कुछ कहा और रितिकांत से कुछ और। मुझे यकीन था कि रितिकांत जरूर शकुंतला देवी से मिलेगा, शायद उसे समझाने की कोशिश करेगा और दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेंगे। लेकिन रितिकांत के मन में तो कुछ और ही था। उसने शायद सोच रखा था कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। उसके बाद क्या हुआ आप लोगों को सब मालूम है। शकुंतला देवी बाहर आई और रितिकांत ने 3 बार गोली चलाकर उसे ठंडा कर दिया, और जब वो शकुंतला देवी से चिट्ठी छीन रहा था तो वो खुद ही पांडे जी की गोली का शिकार बन गया। चलो भाई खाना तो खा लो। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से दोनों को जिंदा ही पकड़ना चाहिए था। नहीं, यही ठीक है। चलो खाना खाते चलो खाना खाते चलो।